हेलो क्लास, आज यहाँ ऋतुराज द्वारा लिखी कन्यादान कविता की शुरुआत की जा रही है। इस पर चर्चा की जाएगी, तो आइए देखते हैं कि पहले ऋतुराज जी ने अपने लेखन का मुख्य केंद्रित विषय किसे बनाया है। उनके लेखन का मुख्य केंद्रित विषय था जो समाज के लोगों ने, जो आम जनता थी, जो आम यथार्थ समाज था, उनकी चिंताओं को, उनकी घटनाओं को उन्होंने अपने लेखन में जगह दी थी। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते थे, यानी ऐसी घटनाएं, ऐसे बुराइयां जो कि समाज को प्रभावित करती थी, जिससे कि समाज प्रभावित होता था, लोग प्रभावित होते थे, ऐसी घटनाओं को उन्होंने अपनी लेखन में जगह दी, अपने लेखन को अपना मुख्य केंद्र बनाया। यही कारण है उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है, इसीलिए उनकी जो भाषा है, लिखने की जो शैली है, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो लोग, यानी जो आसपास रहने वाले आम जनता थी, साधारण जनता थी, उससे मिलती जुलती भाषा का उन्होंने प्रयोग किया ताकि लोगों तक उनकी भावनाएं पूरी अच्छी तरीके से पहुंच सके। तो देखिए कन्यादान कविता में क्या कहा गया है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधे होते हैं। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है, दूसरे को सौंपती है, तो उस वक्त वो उसे क्या सीख देती है, तो परंपरागत रूप से, यानी बहुत पुराने समय से जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, लोक रिवाज चले आ रहे हैं, उसके हिसाब से एक लड़की को आदर्श रूप में दूसरे के घर में जाकर अपनी जिम्मेदारियों का वहन करना होता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है। परंतु यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो सीख माँ दे रही है वो उसके अपने अनुभवों पे आधारित है, कि जो भी प्रतिमान बनाए गए हैं, जो मानदंड बनाए गए हैं एक लड़की के लिए समाज में रहने के लिए, वो केवल क्या है, एक आदर्श के बंधन है, एक आदर्श की चादर है जो लड़कियों को या स्त्रियों को बांधकर रखती है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़कियों को वैसे भी कोमल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बहुत ही संवेदनशील होती हैं, बहुत आसानी से दूसरों को समझ लेती, तो इसी भावना को उनकी क्या समझ लेते हैं, कमजोरी समझ लेते हैं, जिसका यहाँ पर उसकी माँ प्रतिकार कर रही है, जिसका वो विरोध कर रही है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रमाणित अभिव्यक्ति है। यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ केवल भावुकता नहीं है, केवल संवेदना ही नहीं है, बल्कि यथार्थ में माँ ने जो अनुभव प्राप्त किए हैं अपने विवाह के उपरांत, समाज के द्वारा झेली गई जो उसने दिक्कतें देखी हैं, जो एक बंधन बन गई है उसके जीवन का, उन बंधनों से मुक्त रहने के लिए वो अपनी बेटी को सीख देती है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है, और इस कविता के जरिए उन्होंने स्त्री जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो वो समाज से लड़ती है, भिड़ती है और अपने आप को स्थापित करती है समाज में, इस बात को प्रमाणित करने के लिए ऋतुराज जी ने इस कविता को लिखा है। आइए पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूजी हो। एक माँ के लिए उसकी बेटी ही उसकी अंतिम पूजी होती है। कहते हैं कि लड़कियाँ जो होती हैं वो अपनी माता की छाया होती हैं, और जब जो लड़के होते हैं वो अपने पिता के दोस्त होते हैं। जब लड़का अपने पिता के बराबर में पहुंच जाता है, उसकी लंबाई उसके बराबर में आ जाती है, अपने पिता के बराबर में आ जाती है, उसके पिता के जूते उसके पैरों में फिट होने लगते हैं, तब कहते हैं कि तब वो लोग बाप बेटे से बढ़कर क्या हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार लड़कियां अपनी माँ की छाया क्यों होती हैं, क्योंकि बचपन से लेकर जो भी क्रियाकलाप माता करती है उनको देखते देखते वो लड़की सारी चीज़ें सीखती हैं, और आपको हल्का हल्का सा प्रतिबिंब अपनी माँ का किस में दिखाई देता है, उसकी बेटी में दिखाई देता है। कहते हैं कि अगर आपको देखना है कि बेटी कैसी है तो उसकी माँ को देख लीजिए, तो इस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि बेटी की किस प्रकार से परवरिश हुई है, उसका पालन पोषण कैसा हुआ, उसका व्यवहार कैसा है। तो यही चीज़ होती है कि प्रतिबिंब बनी होती है बेटी अपनी माँ की, इसलिए माँ का लगाव अपनी बेटी से ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रतिपल सुख दुख में हर समय बेटी अपनी माँ के साथ बनी होती है। और जब वो इन्हीं को, अपनी बेटी को ही वो दूसरों को दान में देती है। कन्यादान का मतलब क्या होता है? विवाह के समय जब लड़कियों को दूसरे परिवार को सौंपा जाता है,
तो उसमें एक रस्म की जाती है जिसे कन्यादान कहते हैं। तो कन्यादान के द्वारा एक लड़की को दूसरे परिवार में सौंपा जाता है। तो उस वक्त केवल लड़की को नहीं सौंपा जाता बल्कि एक परिवार अपने संस्कारों को दूसरे परिवार को भी सौंपता है। तो जब कोई भी अपने संस्कारों को अपनी पूंजी को दूसरे को सौंपता है तो उसे दुख होता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि माँ का दुख कितना प्रमाणित है, कितनी सत्यता छुपी है अपनी बेटी को दूसरे के हाथों में सौंपते वक्त, कितना प्रमाणिक था उसका दुख। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे लग रहा था कि अंतिम बचाई हुई पूंजी वही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का तो आभास होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लड़की अभी बहुत सयानी नहीं हुई थी, केवल विवाह की उम्र तक पहुंची थी लेकिन अभी भी वह दुख के अनुभवों से गुजरी नहीं थी। अभी दुख का भी अनुमान उसे नहीं था, केवल उसने अभी सुख का ही संचय किया था या सुख ही सुख भोगे थे। माँ के आंचल की छाया में उसने केवल सुख ही देखा था तो दुख की तरफ अभी उसका ध्यान नहीं गया था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पर वह पाठिका थी, पढ़ने वाली थी धुंधले प्रकाश की, यानी जीवन में आने वाले कठिनाइयों, जीवन में आने वाले सुख, जीवन में पढ़ने वाले विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ जिनसे वो अभी अनजान थी उसकी। तो वो केवल एक पाठिका थी, पढ़ने वाली थी, इन सारी चीज़ों से अभी तो वो अनजान थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, इसमें कहने का अर्थ है अभी तो उसने कुछ जीवन के अनुभव प्राप्त करने शुरू किए थे, अभी तो जीवन को समझना शुरू किया था और उसके उपरांत ही अभी वो जीवन को समझ पाती, लेकिन उससे पहले ही उसी का कन्यादान कर दिया जा रहा था, उसे दूसरे के हाथों में सौंपा जा रहा था। तो जो अभी तक सुख की आशा में था, जिसे हमेशा भी सुख की ही प्राप्ति हुई थी, अब उसे जीवन के उन कड़वे अनुभवों से गुजरना था जिसे कि उसने अभी तक देखा नहीं था। उसने सुना था, उसने अपने माता से सुना था, आसपास के लोगों से सुना था, लेकिन अभी स्वयं उसका अनुभव करना उसे बाकी था। इसीलिए इसमें दिया है कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, यानी अपने दुख को किस प्रकार से प्रकट करे या दुख को अपने अंदर तक ही सीमित रख ले, इस प्रकार की भावनाओं से अभी वो गुजरे नहीं थी। अभी तो केवल उसे अपने सुखों पर ही ध्यान देना था। अभी तक उसने अपने सुख के बारे में, हंसी खेल ठिठोली के बारे में ही सोचा था। तो जीवन के कड़वे अनुभव अभी उससे बहुत दूर थे। और कहने का अर्थ यहाँ पर ये भी है कि जब एक लड़की अपने घर से दूसरे के घर में चली जाती है तो लोग कहते हैं कि दूसरे के घर का उजाला हो गई है। दूसरे के घर में तो प्रकाश करती है लेकिन उसका अपना घर क्या होता है, सुनसान हो जाता है, खाली हो जाता है, क्योंकि उसकी हंसी ठिठोली जो होती है पूरे घर को प्रकाशमान रखती है, गुंजायमान रखती है। तो आपने देखा होगा, क्योंकि आप लोग इस अनुभव से भी गुजरे होंगे, कि जब एक लड़की का विवाह हो जाता है तो उसके उपरांत उसके घर वाले, उसका घर एकदम सूना पड़ जाता है। रहते तो सभी लोग हैं उस परिवार में, लेकिन उस परिवार में केवल एक लड़की के चले जाने से वो पूरा घर क्या लगता है, खाली खाली सा लगता है, जैसे वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। और जब वो विवाह के उपरांत अपने ससुराल चली जाती है तो उस परिवार में ऐसा लगता है कि दुनिया भर की खुशियाँ चली आई हैं। तो लड़कियों का मान करना इस समाज को आवश्यक है, केवल उसे एक घर की जिम्मेदारी सौंपने भर में ही उसे सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि घर के हर फैसले में बराबर रूप से उसे हक भी देना चाहिए। तो क्लास आज के लिए इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।